हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनएकेडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनएकेडमी यूजीसी नेट में। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। सो क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी स्टडीज। सो गाइस, आज हमारा पार्ट फोर है, दिस इज पार्ट फोर। और आज जो हमें क्वेश्चन करने हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से हैं, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। ठीक है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से मोस्ट ऑफ द आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और ट्राई करेंगे कि 20 आपके जो एमसीक्यूज हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो एक बार आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो। आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। एक बार आप सब लोग मुझे चेक करके भी बता दें, आपको वॉइस क्लियर है, पीपीटी इज विजिबल है, एवरीवन एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर है तो एक बार थम्स अप करके बताओ कि सर क्लियर है सब लोग, एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सब लोग मुझे चेक करके बता दें कि आपको वॉइस क्लियर है, पीपीटी इज विजिबल है, एवरीवन। ओके, क्लियर है। चलो जी, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार आप सब लोग इसको शेयर करें, एवरीवन प्लीज शेयर एंड लाइक द सेशन। आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए सब लोग, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। और सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में दोस्तों अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो रेफरल कोड शिव 10 है, इसको अप्लाई कीजिए, इससे मिलेगा 10% डिस्काउंट और इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 आपके इसमें तैयार हो जाएंगे। पेपर 2 का कोर्स ऑलरेडी आधुनिक भारत को हम कवर अप कर रहे हैं, तो जिसको भी आधुनिक भारत डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो डिटेल नोट्स चाहिए आपको, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 1 का कोर्स है वो इस मंथ के लास्ट तक आपके लिए आ जाएगा। उसके बाद में ये प्रोफाइल है, अगर आपने फॉलो नहीं किया मुझे तो यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपके मिलते रहेंगे, है ना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, इस सेशन का जो डिस्क्रिप्शन होगा वहां पे भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये आपकी क्लासेस हैं। और हमारी जो सैटरडे को जो क्लास होगी स्पेशल क्लासेस, वो शाम को 7 बजे अनअकैडमी ऐप पे होगी। और उस क्लास का लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में अभी पिन करवा दूंगा, तो वहां से जाके आप सब लोग उस क्लास के लिए एनरोल कर लीजिएगा। अनअकैडमी ऐप की जो क्लास होगी उसमें हम करने वाले हैं गाइस, आपके जो कांग्रेस के जो सेशंस हैं उनको हम कवर अप करेंगे। कांग्रेस के जो सेशंस होंगे उनको हम कवर अप करेंगे, जो कि 7 PM पे होने वाली है सैटरडे को, ठीक है। पेपर 1 की क्लास आपकी 4 PM पे होती है। अनलॉक कोड है मेरा शिव 10, इस कोड को अप्लाई करके आप जितनी भी क्लासेस हैं अनअकैडमी पे, जो क्लासेस होती हैं उनको आप देख सकते हैं। चलो जी, तो अब शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, कहां के थे वो, कांची, नालंदा, वाराणसी या उज्जैन। 15 सेकेंड आपके पास में है और 15 सेकेंड में मुझे आंसर दीजिए सब लोग, सही आंसर क्या होगा बताओ। परमार्थ लिव इन चाइना फॉर अवर 20 ईयर्स एंड देर ही ट्रांसलेटेड अवर 70 बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनटू चाइनीज, वे डिड ही बिलोंग्स टू। कांची, नालंदा, वाराणसी या उज्जैन। सो आंसर करें सब लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
आज के मोस्ट सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो जैनिज्म और बुद्धिज्म से ही हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन आपके जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से ही होने वाले हैं। सो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो है डी। परमात कहां से बिलोंग करते थे? उज्जैन के निवासी थे, उज्जैन के निवासी। तो ये आपको याद रखना है, सब लोगों को भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए भी। और ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने करीबन 70 जो आपके बुक्स हैं इनका ट्रांसलेशन किया है, तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सेकंड क्वेश्चन, प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहां उपलब्ध हुई है आपकी? सबसे ओल्डेस्ट जो आपकी अजंता की जो पेंटिंग है वो कौन सी गुफा से आपको मिली है? ओल्डेस्ट अजंता पेंटिंग, तो इसका आंसर करें मुझे, गुफा नंबर 1 और 2, गुफा नंबर 9, गुफा संख्या 16 और 17, गुफा संख्या 19। 15 सेकंड आंसर करें सब लोग, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या होगा? सब लोग आंसर दीजिए, एवरीवन। सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी है आपकी? ओल्डेस्ट पेंटिंग ऑफ अजंता, अजंता की सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी होगी? सो मिक्स आंसर यहां पे देखने को मिल रहा है, कुछ लोग ए, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी। सो जो आपका करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका बी। जो गुफा नंबर, केव नंबर 9 और 10 है, जो वाकाटक डायनेस्टी के टाइम की गुफा है, गुफा नंबर 9 और 10, ये सबसे पुरानी गुफाएं हैं, सबसे पुरानी। बी इज द करेक्ट आंसर, है ना? गुफा नंबर 9 और 10 सबसे पुरानी गुफाएं हैं, और ये चीज आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे जो अजंता और अलोरा की जो गुफाएं हैं गाइस, ये काफी फेमस है आपकी, है ना? जो अजंता की गुफाएं हैं ये आपका मेनली जो बुद्धिस्ट स्मारक है, ये बुद्धिज्म के लिए फेमस है, बौद्ध धर्म से आपके संबंधित है गाइस, है ना? और जो 9 और 10th है वे वाकाटक एरा की ये गुफाएं हैं गाइस, ओके? तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास में एक कथन है और एक कारण दिया है। कथन क्या है? गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, यानी वो रीबर्थ में बिलीव करते थे। दूसरा है आपका कि उन्होंने आत्मा को नहीं माना, यानी आत्मा में विश्वास नहीं किया। आप मुझे बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सब लोग बताओ, असर्जन है और आपका रीजन है। गौतम बुद्धा बिलीव्ड इन रीबर्थ। नेक्स्ट आपका, ही डिड नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटर्नल सोल। 15 सेकंड और 15 सेकंड में आंसर करें, बताइए आंसर, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? और जो इसका सही आंसर है गाइस वो क्या है आपका? वो है बी। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो, ए और दो दोनों सही हैं, ठीक है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है गाइस, ठीक है। ये दोनों कथन बिल्कुल ठीक है, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, रीबर्थ में विश्वास करते थे,
लेकिन आत्मा के ऊपर वो क्या है, मौन है, मौन है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया इसको। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। तो आंसर इज बी। तो ये हमने पहले भी बात की थी कि हम ऑर्थोडॉक्स और हेटरोडॉक्स स्कूल, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स स्कूल की जब बात करते हैं, तो ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैन और बुद्ध, ये आपके हेटरोडॉक्स स्कूल आते हैं। मतलब कि ये बेसिकली क्या थे, अनिश्वरवादी थे, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, डज नॉट बिलीव, डू नॉट बिलीव इन गॉड। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। मखाली गोशा इन श्रावस्ती स्टेट मोस्टली इन द वर्क्स ऑफ हालाहल, विच कम्युनिटी डिड दैट वुमेन बिलोंग्स टू? श्रावस्ती में मखाली गोशाल अधिकांश हालाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? कुम्हार, कारपेंटर, गोल्डस्मिथ यानी स्वर्णकार या लोहकार? तो आंसर बताओ मुझे। ए, बी, सी या डी? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कुछ लोग ए आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग बी भी आंसर दे रहे हैं। लेट्स सी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ठीक आंसर दे रहे हैं, और आपका आंसर आई ए ही है। ठीक है, कुम्हार। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि ये मखाली गोशाल है, इन्होंने कौन से दर्शन की स्थापना की थी गाइस? तो जो मखाली गोशाल है, इन्होंने एक एक सेक्ट की स्थापना की थी, उसको भी आप लिख लीजिए, आजीविक सेक्ट, आजीविक संप्रदाय, है ना, आजीविक संप्रदाय यानी आजीविक सेक्ट की इन्होंने स्थापना की थी। अब ये जो आजीविक सेक्ट था गाइस, ये भी आपका नास्तिक परंपरा का ही था, है ना, ये भी आपका नास्तिक परंपरा का ही था, यानी हेटेरोडॉक्स स्कूल से ही ये बिलोंग करता था। ये भी आपको ईश्वर को नहीं मानता था, ये भी नास्तिक परंपरा की ही एक क्या है, संप्रदाय है गाइस। और ये नियतिवाद में ये क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, नीति का प्रवर्तक माना जाता है इनको, और ये महात्मा बुद्ध और जैन दोनों के ही समकालीन रहे हैं गाइस। ठीक है, तो बुद्ध प्लस महावीर जैन दोनों के ही क्या रहे हैं, ये समकालीन रहे हैं, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। अब होता क्या था गाइस, ये काफी बार अपने धर्म प्रचार के लिए श्रावस्ती जाते थे, और वहां पर एक महिला थी, कुम्हार महिला, उसके यहीं पे वो ठहरते थे गाइस, तो ये चीज आपको याद रखना है। हाँ, और बिल्कुल सही बात है कि बिंदुसार है, उन्होंने आजीविक सेक्ट को अपनाया है ना, बिंदुसार, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो बिंदुसार है, बिंदुसार है ना, और बिंदुसार कौन है, अशोक के पापा, अशोक के जो फादर हैं, उन्होंने आजीवक जो संप्रदाय है, आजीवक जो सेक्ट है, उसको अपनाया है अशोक के फादर, तो इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, और आंसर करें इसका, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? अच्छा, ये पेन आपको विजिबल है, आई थिंक आज थोड़ा सा पीपीटी चेंज है, तो आपको जो पेन में थोड़ा सा दिक्कत मुझे भी हो रहा है ना, तो एक बार थोड़ा सा इंक को हम चेंज करते हैं। लेट्स सी, अभी आप देखिए, अभी विजिबल है येलो आपको, तो अब मुझे बताओ आंसर, निम्नलिखित में किस
किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपल्लिका, निरंजना, गोदावरी और कोसी। 15 सेकेंड आपके पास में है और आंसर बताइए मुझे। कौन सी नदी के किनारे महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान का प्राप्त हुआ था? ए बी सी या डी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ई। जो आपकी रिजुपली का जो रिवर है उसके किनारे उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, रिजुपली का नदी रिवर। कितने साल में? 42 वर्ष की आयु में और 12 साल की तपस्या के बाद, 12 वर्ष के कठोर तप के बाद उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से ज्ञान की? कैवल्य, कैवल्य ज्ञान की। इसलिए इनको कैवलिन भी बोला जाता है। कैवलिन ज्ञान मतलब सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज। ओके, इतना क्लियर है सबको? तो ये आपको याद रखना है, सब लोगों को भूलना नहीं है, एवरीवन। अब चलिए नेक्स्ट। सियादवाद किस धर्म से संबंधित है? और आप मुझे ये भी बताओ कि सियादवाद से आप क्या समझते हैं? सियादवाद से क्या समझते हैं कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। बौद्ध धर्म, वैष्णव, शैव, जैन और बौद्ध। करेक्ट आंसर क्या है? 15 सेकेंड और 15 सेकेंड में आंसर करना है आपको, तो मुझे बताएं कि सियादवाद है वो कौन से धर्म से संबंधित है और सियादवाद से आप क्या समझते हैं? ए बी सी या डी? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा सबका? तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए एवरीवन। इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ए बी सी या डी? करेक्ट आंसर बताइए सब लोग। सियादवाद मीन सायत। ओके, और बताइए प्लीज, सियादवाद से आप क्या समझते हैं? यस, बंदा मारवाड़ी ने सही बोला है कि यह जैन धर्म के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने और समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। यस, चलो तो वेरी गुड। तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है और आंसर आपका क्या है? सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो शियादवाद है आपका, शियादवाद, इसको हम बेसिकली सापेक्षिक सिद्धांत भी बोलते हैं, यानी सापेक्षता का सिद्धांत भी बोलते हैं, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिव नॉलेज, थ्योरी ऑफ रिलेटिव नॉलेज, यानी सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, इसको सप्तभंगी नियम भी बोलते हैं हम, है ना? इसको क्या बोलते हैं? सप्त
सप्त भंगिनियां भी बोलते हैं, शाद्व्याद या अनेकांतवाद भी बोलते हैं इसको, है ना। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कंडीशनल प्रिडिक्शन भी बोलते हैं इसको, थ्योरी ऑफ कंडीशनल प्रिडिक्शन। यानी कंडीशनल प्रिडिक्शन, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिव प्रपोजिशन और जजमेंट्स, है ना। अब देखिए एक आपके सामने दिख रहा है एक हाथी, है ना। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया होगा आपको, है ना, इस एलिफेंट का एग्जाम्पल। आपको सामने एलिफेंट दिख रहा है, सच्चाई क्या है, एक रियलिटी क्या है आपके सामने कि एक एलिफेंट है, ये रियलिटी है। अब कुछ लोग इसको सापेक्षता के सिद्धांत को समझते हैं। हम एक भाई साहब हैं, इन्होंने इसके ट्रंक को देखा, ये इसका सूंड है, इसको देखा तो बोला कि ये तो क्या है, स्पीयर है, है ना। एक बार मैं इंक चेंज करता हूं तब आपको ये ठीक से समझ में आएगा। जैसे कि इन्होंने बोला कि ये तो स्पीयर है, इसके ट्रंक को देखे, ये भाई साहब यहाँ के इसके ऊपर चढ़ गए और इसके जो ईयर्स हैं उसको देख के इसने बोला कि ये तो पंखा है, फैन है। ये भाई साहब सीढ़ी लेके ऊपर चढ़ रहे हैं, इन्होंने बोला ये तो दीवार है, इसकी पीठ को देखा। किसी ने इसकी पूंछ पकड़ ली, इसने बोला ये तो रस्सी है, ठीक है। किसी ने इसके पांव को पकड़ा, इसने बोला ये तो ट्री है। और किसी ने इसके ये जो नाखून है इनको पकड़ा, ये बोला ये तो सांप आ गया। तो इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिव नॉलेज या सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिव ऑफ प्रपोजिशन और जजमेंट्स। इसको बोलते हैं स्यादवाद या अनेकांतवाद भी बोलते हैं गाइस। क्लियर एवरीवन, अभी क्लियर है सबको, समझ में आई या नहीं आई चीजें? हाँ, लेकिन आप मत चढ़ जाना इस रस्सी को समझ के, है ना, वरना तो बहुत दूर जाके आपको गोल लगेगा, है ना, आप भी फुटबॉल की तरह गोल गोल घूमते रहोगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सब लोग स्तूपास वर इरेक्टेड बाय द साक्यास एट द फॉलोइंग साइट ऑन द फिजिकल रिमेन्स ऑफ द गौतम बुद्ध विच इज सपोर्टेड बाई द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेष पर निम्न स्थल पर साक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं, लुम्बिनी, निगलिवा, पीपरवा और सहित महित। सो आप मुझे बताएं करेक्ट आंसर क्या है। आपके पास में है 15 सेकेंड और 15 सेकेंड में आपको इसका आंसर करना है सब लोगों को। तो आंसर बताइए मुझे, गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर साक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं, लुम्बिनी, निगलिवा, पीपरवा या सहित महित। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी बुद्ध के जो बॉडी रिमेन्स हैं वो कौन से स्तूप में है? बॉडी रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो वो कहां पे हैं गाइस? वो आपके हैं सी, पीपरवा में। पीपरवा कहां पे है? यूपी में, यूपी के बस्ती जिले में पीपरवा। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्तूप भी माना जाता है, आपका सबसे प्राचीनतम स्तूपों में से माना जाता है, जो कि कहां पे स्थित है? यूपी में। और यहां पे आपको जो बुद्ध हैं उनके जो बॉडी के जो अवशेष हैं वो यहां पे मिले हैं। तो आंसर क्या होगा मेरा? सी, सी इज द करेक्ट आंसर। और जिसका भी आंसर सी है वो 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हैं सब लोग, ठीक है। क्लियर एवरीवन? चलो जी, है ना। और यहां से आपको क्या मिला है
यहां से आपको बुद्ध की जो अस्थि है ना, बुद्ध की अस्थियों की मंजूषा यहाँ पे मिली है ना, यहाँ पे बुद्ध के एसिज मिले हैं, बुद्ध की जो अस्थि हैं वो मिली है, बुद्ध के अस्थियां हैं वो यहां से मिली है आपको, तो इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्य ग्रह कौन सा है? देखो, हम बौद्ध की जब बात करते हैं तो हीनयान और महायान में दो में विभक्त हो गया था, हीनयाना और महायाना। आपको ये बताना है कि हीनयाना स्कूल का सबसे विस्तृत और विकसित चैत्य ग्रह कौन सा है? बिड़सा, भाजा, कार्ले और कोंडाने, ए बी सी या डी? आंसर बताओ सब लोग, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, वो है सी, सी इज द करेक्ट आंसर, कराले। कराले जो चैत्य हैं वो सबसे फेमस और सबसे विकसित आपके चैत्य हैं, उसको याद रखिए सब लोग, है ना, और भूलना नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद में, और ये किसने बनवाया था, एक चीज और याद रखना, ये कराले जो चैत्य हैं ये सत्वाहन के टाइम का है, सत्वाहन शासकों के द्वारा निर्मित, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है ना। नेक्स्ट, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे बताइए, मल्ला, लिच्छावी, शाक्य या जात्रिक ट्राइब? पंद्रह सेकंड आंसर करना है आप, तो बताओ मुझे इसका सही उत्तर क्या होगा, यात्रिक जनजाति, मल्ल जनजाति, लिच्छावी जनजाति या शाक्य जनजाति, ए बी सी या डी? छात्रिक जनजाति, मल जनजाति, लिच्छावी जनजाति या शाक्य जनजाति, ए बी सी या डी? कुछ लोग ये आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग सी, एंड लेट्स सी, एंड द वेरी करेक्ट आंसर इज ई। ठीक है, यात्रिक जनजाति से वो संबंध रखते थे, है ना, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यात्रिक जनजाति से थे, इसको प्लीज याद रखना है आप सब लोग, भूलना नहीं है। और ये जो महावीर हैं इनका जो जन्म था 540 बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व में, कुंडग्राम यानी वैशाली में इनका जन्म हुआ था, माता का नाम त्रिशाला था, और इसको जरूर याद रखना है आप सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, इसको इक्ष्वाकु वंश भी बोलते हैं, बिल्कुल। हाँ, एक चीज आप मुझे बताओ, इक्ष्वाकु वंश महावीर से थे या जैन से थे? अच्छा, कृति आप बताइए, जिसने भी ये इक्ष्वाकु वंश की बात की है, महावीर थे या जैन थे? महावीर थे या जैन थे इस वंश से, अब बताओ। हाँ, उनकी मदर लिच्छावी थी, आप मुझे तो ये बताओ कि महावीर थे या जैन थे उससे, आंसर बताएं सब लोग, क्या होगा करेक्ट आंसर?
बताओ एक बार जल्दी से, जैन नहीं थे, जैन नहीं थे इससे, है ना, ये ध्यान रखना। जैन नहीं थे, जैन नहीं थे, ज्ञान्त्रिक को नहीं बोलते हैं इसका, प्लीज इसको ध्यान रखना है। जैन थे या बौद्ध थे बताओ, जैन या बौद्ध, दो ऑप्शन आपके पास में और आप बताओ, है ना। ठीक है, तो इसको सोच के बताओ मुझे कौन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है। पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्य का उल्लेख करते हैं। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में से कौन सा सही है? सो बताओ एवरीवन। द एग्जिस्टेंस ऑफ कौटिल्या इज कंसिडर्ड डाउटफुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। पतंजलि डज नॉट मेंशन कौटिल्या, दो ही मेंशन चंद्रगुप्त दास असेंबली एंड मौर्यास। 15 सेकंड है और 15 सेकंड में आंसर बताएं सब लोग, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आंसर करें इसका, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? द एग्जिस्टेंस, ये आपका स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट है आपका, और ये आपका रीजन है। स्टेटमेंट क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ कौटिल्य इज कंसिडर्ड डाउटफुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। रीजन क्या दिया है? पतंजलि डज नॉट मेंशन कौटिल्य, दो ही मेंशन चंद्रगुप्ता असेंबलीज एंड मौर्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो क्या है आपका, वो है ए। देखो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है ये संदेहात्मक मानी जाती है, और पतंजलि है हो ना, उन्होंने अपना जो उनका जो ग्रंथ है, बताओ उनका ग्रंथ का नाम बताओ, पतंजलि ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? पतंजलि का जो महाभाष्य है ना, पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते हैं गाइस, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए। नेक्स्ट, बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है? अम्बट सूत्र, अम्बटा सूत्र, महावंश, भट्टसाल जातक और ब्रह्मजाल सूत्र। देखो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए माना है यूजीसी ने, है ना। तो काफी लोगों को डाउट हो रहा है इसमें, मुझे पता है काफी लोगों को डाउट हो रहा है इसमें, है ना काफी लोगों को इसमें डाउट हो रहा है ना, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, बट इसका यूजीसी ने आंसर ए माना है। ओके, यूजीसी ने आंसर इसका ए माना है, तो अभी इसको ए ही मानिए, बाकी बाद में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ आप मुझे। बुद्ध के समकालीन संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य से प्राप्त, किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? ए बी सी या डी बताओ, आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर? आंसर बताएं सब लोग जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा?
द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, ब्रह्मजाल सूत्र। ठीक है, ब्रह्मजाल सूत्र में महात्मा बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक मतवादों अथवा धार्मिक संप्रदाय का उल्लेख प्राप्त होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ना कि बी सी ए, डी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज इसको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर, ब्रह्मजाल सूत्र इज द वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और आपको कारण दिया है, 15 सेकंड आपके पास में है और आप मुझे आंसर बताएंगे सब लोग, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय फलने फूलने लगी, जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़ व्यापार को अपनाया, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। अभिकथन और कारण, अभिकथन क्या है कि व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय फलने फूलने लगी, अभिकथन। रीजन क्या दिया है, जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़ व्यापार को अपनाया। उपयुक्त कथनों को पढ़िए और विचार कीजिए, कूट आपको दिया है और आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो आप मुझे बता दो कि करेक्ट आंसर क्या है, 15 सेकंड है सिर्फ आपके पास में, 15 सेकंड में आंसर करना है। बिजनेस इकोनॉमी बिगेन टू फ्लरिश ड्यूरिंग द बुद्धास टाइम, जीना गिव अप ट्रेड इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, तो प्लीज इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट ठीक है लेकिन एक दूसरे को वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं गाइस, है ना, एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना है सब लोग। नेक्स्ट, एक तरफ सूची वन है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है, महावीर, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, मृग, सिंह, सर्प और जल कलश, इनके सिंबल आपको बताने हैं जो जैन आपके तीर्थंकर हुए हैं। 15 सेकंड, 15 सेकंड में आंसर बताओ। एक्सप्लेन नहीं है, देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। अब देखो ये मैंने लास्ट क्लासेस में समझाया था इसलिए मैं बोलता हूं कि क्लासेस आप कंटिन्यू लेते रहो। एक सेकंड में पिछले क्वेश्चन के उसको दोबारा से बताता हूं जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं। हमने बात क्या की थी कि जो जैनिज्म है वो हर एक चीज में जीव को मानता है, तो उसने बोला कि अगर आप कृषि करेंगे तो बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु होगी क्योंकि वो अहिंसा की जो पॉलिसी है उसको बहुत बहुत ही शिद्दत से अपनाते हैं गाइस। अगर कृषि करेंगे, हल चलाएंगे, तो बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे आपके, वो मरेंगे, तो उन्होंने क्या बोला कि हम कृषि नहीं करेंगे, वो व्यापार को उन्होंने अपनाया, इसलिए सेकंड वाला ठीक है गाइस। और अर्थव्यवस्था बुद्ध के टाइम पे क्यों फलने फूलने लगी, क्योंकि ट्रेड काफी ज्यादा होने लगा, नए नए टाउन्स होने लगे, महाजनपद हैं, जनपद हैं वो फलने फूलने लगे आपके, इसीलिए आपका जो ये पहला वाला और दूसरा वाला दोनों के दोनों ठीक है गाइस, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि प्लीज आप सब लोग रेगुलर क्लास लेते रहो, वरना तो देखो
अगर फर्स्ट टाइम क्लास लेंगे तो यही लगता है कि सर पूरा नहीं बता रहे हैं, या सर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, या सर ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। मैं इसलिए ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं टाइम दे चुका हूँ इन चीज़ों को। अगर एक ही क्वेश्चन में हम इतना इतना टाइम देंगे तो शायद आपके 5 से 6 क्वेश्चन हो पाएंगे पूरी की पूरी 1 घंटे में ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके कैसे रोंग है बताइए, सही तो है, कैसे रोंग है बताओ मुझे। नेक्स्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो महावीर सिंह, इनका जो सिंबल है वो सिंह है, मल्लीनाथ का जल कलश है, पार्श्वनाथ का है सर्प, और शांतिनाथ का है आपका मृग, है ना। तो प्लीज इसको याद रखना है, सब लोग भूलना नहीं है। फोर्टीन क्वेश्चन, पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का प्रस्थ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों पर विशेष लक्षण था। अयोध्या, कुसाम्बी, पद्मावती और पांचाल, बताइए आंसर बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का प्रस्थ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण है। अयोध्या, कुसाम्बी, पद्मावती, पांचाल, सो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, पांचा। है ना। और पांचाल हमने बात किया था कि पांचाल एक महाजनपद था आपका, और इसकी जो राजधानी थी है ना, एक अहिच्छत्रपुत, एक कंपल्य, है ना। ये जब नॉर्थ और साउथ में बंट जाता है तब इसकी एक नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ की राजधानी है अहिच्छत्रपुर और साउथ की राजधानी है कंपल्य, है ना। अब इनके जो सिक्के थे है ना, उन पे जो राजा के नाम के अनुरूप देवता का प्रस भाग पर अंकन पांचाल सिक्कों का विशेष लक्षण है, गाइस, है ना। जो सिक्के होते थे उन पे उनके भगवान होते थे, उनका चित्रण होता था, जो उनकी डीटी होती थी कोई भी जिसकी वो पूजा करते थे उनका वो चित्र बनवाते थे, तो ये उनका लक्षण था। तो प्लीज इसको याद रखना है, भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है मेरा। महाराजा धीराज रामगुप्त ने निम्नलिखित में से किन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनवाई थी। महावीर, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा और पुष्पदत्त। महावीर, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा और पुष्पदत्त। 15 सेकंड, और 15 सेकंड में आंसर बताएं मुझे, सही आंसर क्या होगा आपका, ए बी सी या डी। आंसर करें सब लोग जल्दी जल्दी, करेक्ट आंसर क्या होगा, महावीर, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा और पुष्पदत्त। ए बी सी या डी। ए बी सी या डी आंसर बताइए जल्दी जल्दी, करेक्ट आंसर क्या होगा सब लोग। और इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चंद्रप्रभा और पुष्पदत्त। ठीक है, तो अब प्लीज इसका याद रखना है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। बी चंद्रप्रभा एंड पुष्पदत्त। नेक्स्ट, कार्यरोहण जिसे लकुलिश पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का निवास स्थान माना जाता था वो कहां पे है? बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? बताइए आंसर क्या होगा आपका। करेक्ट आंसर, ए बी सी या डी, आंसर बताओ सब लोग। सही आंसर क्या होगा? बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ए बी सी या डी? और इसका जो सही आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, वो है आपका डी, गुजरा। ठीक है, जो लकुलिश है, है ना, जो लकुलिश पशुपत संप्रदाय के क्या माने जाते हैं, ये शैव संप्रदाय है, पशुपत संप्रदाय है ना, पशुपत संप्रदाय, उसके संस्थापक कौन है? लकुलिश, है ना, लकुलिश, ये शैव संप्रदाय है आपका, शैव धर्म से संबंधित है और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो लकुलिश माने जाते हैं, है ना, तो वो गुजरात के हैं, है ना, गुजरात के, गुजरात राज्य में। तो प्लीज इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। कुछ लोग राजस्थान बोल रहे, नहीं राजस्थान नहीं है, ये है गुजरात। डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय ने नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई बताई जाती है? आजीवक, बौद्ध, चार्वाक या जैन? पंद्रह सेकंड में आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? आजीवक, ये आजीवक है, प्लीज इसको करेक्ट करें, आजीवक, बुद्धिस, चार्वाक या जैन? आजीवक, बौद्ध, चार्वाक या जैन संप्रदाय। सो कुछ लोग ये आंसर दे रहे हैं और आप सब लोग ये आंसर दे रहे हैं। सो थोड़ा सा प्लीज फोकस करो, अपने ओरिजिनल आंसर दीजिए सब लोग, ओरिजिनल आंसर, कॉपी मत करो। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, ये होता है कॉपी करने का नतीजा। जैन, चंद्रगुप्त मौर्य किसके, चंद्रगुप्त मौर्य किसके उपासक थे, कौन सा धर्म अपनाया था उन्होंने? जैन। मौर्य वंश, नंद वंश का विनाश किसने किया था? थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, का विनाश, देखो कॉपी नहीं करना है, दिमाग लगाना है, और ये कॉपी करने के नतीजे होते हैं गाइस, है ना। अब कभी कॉपी करो तो थोड़ा सा सोच के किया करो। नंद वंश का विनाश किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को अपना लिया था उन्होंने? जैन को, जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया तो वो कौन सा संप्रदाय हो गया? जैन संप्रदाय तो हुआ, वो हुआ या नहीं हुआ बताओ, अभी आया या नहीं आया समझ में? है ना, तो देखो ऐसा मत करो वरना तो आपको पनिशमेंट मिलेगी अगर इतनी कॉपी करेंगे तो सब लोग।
चलो नेक्स्ट। है ना, तो ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म नाम लिखता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट। उड़ीसा में उदयगिरी खंडागिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती हैं। द वेरियस केव्स ऑफ उदयगिरी खंडागिरी हिल्स इन उड़ीसा टेस्टिफाइड इट। उड़ीसा में दीर्घ काल तक जैन धर्म का अस्तित्व था। उड़ीसा में बौद्ध धर्म लोकप्रिय था। उड़ीसा में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का अस्तित्व था। उड़ीसा की प्राचीन कला में अशोक का विशेष योगदान था। अशोका हैड अ स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एंशियंट आर्ट ऑफ द उड़ीसा। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। उड़ीसा उड़ीसा मैं लिख देता हूं अगर आपको ये दिख नहीं रहा। उड़ीसा की प्राचीन कला में अशोक का विशेष योगदान। आप मुझे बताएं आंसर क्या है सब लोग। ए बी सी या डी सही आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। और इसका जो सही आंसर है गाइस, जो करेक्ट आंसर है वो है ए। उड़ीसा में दीर्घ काल तक जैन धर्म का अस्तित्व था, ठीक है। उदयगिरी खंडागिरी पहाड़ियों से हमें क्या पता लगता है कि उड़ीसा में लंबे समय तक जैन धर्म का अस्तित्व रहा है गाइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक जैन इंस्क्रिप्शन मिला है, एक जैन अभिलेख आपको मिलता है, ठीक है। इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है गाइस। तो इससे हमें पता लगता है कि जैन धर्म का उल्लेख यहाँ पे मिला। उदयगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पे पार्श्वनाथ की जो मूर्तियां हैं है ना, वो है ना, और वहीं से आपको ये मिला है कि वहां पे आपका जैन धर्म का भी प्रभाव रहा है गाइस। और देखते हैं किसका ठीक है। ये राजेश्वरी यादव का ठीक है, अर्चना का ठीक है, एंड बाकी सबका गलत है ना। तो प्लीज इसको याद रखो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइनटीन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 कृशापन का दंड देना पड़ेगा। हु अमोंग द फॉलोइंग हैड गिवन द ऑर्डर दैट नॉन वेलकमिंग बुद्धा वुड हैव टू पे द पेनल्टी ऑफ 5 कृष्णापन। मल्लों ने, साक्यों ने, मगध नरेश, अजातशत्रु ने या वत्स नरेश ने। तो बताओ मुझे। हाँ लेखराज का भी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड लेखराज। आंसर बताएं सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। ये ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया। जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, जो सही आंसर है आपका वो है इसमें ए। और ये भी काफी कम लोगों का ठीक है, ठीक है, मल्लों है ना। और ये भी काफी कम लोगों का ठीक है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। अंकिता कुमारी का ठीक है, जितेन कुमार का ठीक है, अभिजीत का ठीक है, कृति का ठीक है, सरोबाना सरकार का ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है गाइस। तो हुआ क्या कि बुद्ध जब कुशीनगर गए थे बेसिकली है ना, जब वो कुशीनगर जाते हैं गाइस, तो वहां
मल्ल थे और मल्लों ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई इनके स्वागत के लिए नहीं आएगा या इनके स्वागत सत्कार में सम्मिलित नहीं होगा तो उनको 500 प्रशापन का दंड देना पड़ेगा। तो मल्ला कब किया, जब वो कुशीनगर गए थे, कुशीनगर जब वो गए थे तब ये हुआ था, कुशीनगर। तो इसको आपको याद रखना है, सब लोगों को भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? चलो लास्ट में बहुत सिंपल है, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती और वैशाली। इसका आंसर बताओ 15 सेकंड। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती और वैशाली। सही आंसर बताएं सब लोग। सही आंसर क्या होगा? वेट डिड द बुद्धा गेव मोस्ट ऑफ हिज सरमन्स? कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती या वैशाली? और आपका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी इज द वेरी करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, तो उसको प्लीज याद रखना है, भूलना नहीं है, है ना। कहाँ पे दिया है उन्होंने आपके नोट, श्रावस्ती, यस। और सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो आपका दिया था सारनाथ में। सबसे पहला कहां पे दिया था? सबसे पहला सारनाथ में दिया था, सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिया है गाइस, ना। तो इसको याद रखिएगा सब लोग। ओके, तो लेट्स सी किसने आंसर ठीक किया है। अभी भी काफी लोग गलत कर रहे थे इसको। देखो सबसे पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया है, सबसे पहला डियर पार्क, डियर पार्क में मृग वन में उनके 5 शिष्य थे, 5 5 डिसाइपल को। लेकिन सबसे ज्यादा की बात हो रही है तो वो श्रावस्ती है ना, श्रावस्ती, क्योंकि इनके ज्यादा जो सबसे ज्यादा डिसाइपल थे वो कौशल में थे और वहां की राजधानी है श्रावस्ती, है ना। तो इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा वहीं दृष्टि है। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर अच्छा लगा सेशन तो एक बार आप सभी लोग शेयर और लाइक कर दीजिए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। और आपकी जो क्लासेस हैं हिस्ट्री की क्लासेस वो कल सैटरडे को होगी 7 PM पे, शनिवार को 7 PM पे होगी आपकी, 7 PM सैटरडे। कहाँ पे होगी? अनअकैडमी ऐप पे, जिसमें हम कांग्रेस के सेशन रिवाइज करेंगे। अनलॉक कोड है मेरा शिव10, उसको लगा कि आप जितनी भी क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स बॉक्स में आफ्टर द क्लास मिल जाएगा, है ना। और वहां से जाके आप अपने आप को एनरोल भी कर लीजिएगा। उसके बाद में ये प्रोफाइल है मेरा, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। कल सुबह नहीं होगी क्लास, क्लास आपकी परसों होगी, है ना, परसों शाम को सैटरडे को अनअकैडमी ऐप पे, अनअकैडमी ऐप, ये जो क्लास है जो अभी है वो अनअकैडमी ऐप पे होगी शनिवार को। उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहां से जाके अपने आप को एनरोल कर लेना। उसके बाद में अगर आप प्लस लेना चाहते हैं तो रेफरल कोड शिव10 है, इसको अप्लाई करके 10% डिस्काउंट मिलेगा और इन सिंगल सब्सक्रिप्शन कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल तो 7 PM वाली यूट्यूब तो होगी,
कल 7 PM यूट्यूब तो होगी, उसमें हम स्पेशल क्लासेस हैं, वो आपकी स्पेशल सेशन है यूट्यूब पे होगा, परसों की बात मैं कर रहा हूँ, परसों। उसके बाद में जब सब्सक्रिप्शन लें, या तो 12 मंथ या 24 मंथ का ले सकते हैं। 12 मंथ की फीस है 13,750, और जैसे ही आप रेफरल कोड अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस हो जाएगी 12,375, यानी इंस्टेंट आपको 10% यहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस आइकॉनिक भी ले सकते हैं, यहाँ से आपको पर्सनल कोच, पर्सनल गाइड मिलेंगे। और उसके बाद में थैंक यू सो मच, और बाकी चीज़ें हम करते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही है। अगर सेशन पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर आप सब लोग कर दीजिए जल्दी से फटाफट से, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।